आज के वीडियो में बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश के जो शासक और उत्तराधिकारी उनके क्रम के अनुसार उनका नाम। सबसे पहले आता है तैमूर। तैमूर का जो पांचवा वंशज था, तैमूर का पांचवा वंशज बाबर था। बाबर के बाद नाम आता है हुमायूं का, हुमायूं का नाम आता है अकबर का। अकबर के बाद नाम आता है जहांगीर का, चौथे नंबर पे जहांगीर का नाम आता है इस पीढ़ी में। फिर जहांगीर के बाद जो नाम आता है, दो नाम आते हैं, खुसरो मिर्जा और खुसरो मिर्जा के बाद नाम आता है दवार बख्श, जिसे बल का बकरा भी कहा गया है। और जहांगीर के जो अगली पीढ़ी में खुसरो मिर्जा, दवार बख्श, इसके बाद खुसरो मिर्जा के साथ में जो अगली पीढ़ी हुई थी, शाहजहां, खुर्रम, और शाहजहां के चार लड़के हुए, औरंगजेब, शाहशुजा, मुराद बख्श दारा सिको। इन चारों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और औरंगजेब ने ही बाद में शासन चलाया था। और औरंगजेब के बाद जो पीढ़ी है, उसमें पहले नंबर पे आता है आजम शाह। और उसके बाद आता है साथ में बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के भी नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, और साथ में मोहम्मद अकबर, आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम अर्थात मुअज्जम, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। जे औरंगजेब के आगे की पीढ़ी के चार थे। और इसमें जो मोहम्मद अकबर था, इसके आगे की पीढ़ी थी नेक्सियर, और मोहम्मद काम बख्श के बाद की जो आगे की पीढ़ी थी वो थी शाहजहां तृतीय। अब आगे बात करते हैं जो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, इसके आगे की पीढ़ी आई, इसमें सबसे पहले आया अजीम उस्सान। और फिर आया रफी उस्सान, और अजीम उस्सान के बाद पीढ़ी आई फारूख सियर, जिसे घृणित कायर भी कहा गया। और इसके बाद बहादुर शाह की आगे पीढ़ी साथ में आया जहांदार शाह। फिर खुजस्ता अख्तर, जहांदार शाह के बाद आलमगीर, द्वितीय आलमगीर आया, आलमगीर द्वितीय। रफी उस्सान के बाद जो पीढ़ी आई थी उसमें था शाहजहां, शाहजहां द्वितीय, और शाहजहां द्वितीय के बाद मोहम्मद कामबख्श, शाहजहां तृतीय, ये पीढ़ी आई थी।
और उस पर रफी उदजात, रफी उदजात और मोहम्मद इब्राहिम, ये बाद में कमजोर शासक हुए, इसमें बहुतों को गद्दी भी नहीं मिली, मोहम्मद इब्राहिम। अब आगे बात करते हैं कि और कौन शासक हुए, जैसे आलमगीर द्वितीय के बाद जो आगे की पीढ़ी है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद की पीढ़ी, इसे अली गौहर भी कहा गया। और शाह आलम द्वितीय के बाद जो पीढ़ी आई अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। और अकबर शाह द्वितीय के बाद जो पीढ़ी आई उससे पहले बात करते हैं जो खुजस्ता अख्तर, खुजस्ता अख्तर के बाद की जो पीढ़ी आई उसे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह जिसे इतिहास में रोशन अख्तर भी कहा जाता है, और अकबर शाह द्वितीय था, इसे मिर्जा अकबर भी कहा गया। और अकबर शाह द्वितीय बाद जब लास्ट में सबसे अंतिम पीढ़ी आई थी बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसकी रंगून में मृत्यु हो गई थी। अब शुरुआत से देखते तैमूर का पांचवा मकसद, बाबर, बाबर बाद हुमायूं, हुमायूं बाद अकबर, अकबर बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद दो पीढ़ियां आई खुसरो मिर्जा जिसके बाद जिसकी पीढ़ी थी दरबार बख्श, शाहजहां खुर्रम जिसके चार लड़के थे औरंगजेब, शाहजहां मुराद बख्श, दारा सिंह। इसके बाद औरंगजेब जो पीढ़ी आई आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद काम बख्श। और इसमें बहादुर शाह जो प्रथम या मुअज्जम था उसकी पीढ़ी आई जहांदार शाह, खुजस्ता अख्तर, रफीउस्तान, अजीमुस्तान, अजीमुस्तान बाद पीढ़ी आई फारूकसियत, और रफीउस्तान के बाद पीढ़ी आई शाहजहां द्वितीय, रफी उदजात, मोहम्मद इब्राहिम। जहादान शाह के बाद पीढ़ी आई आलमगार द्वितीय, इसके बाद शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और खुजस्ता अख्तर, मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर और मोहम्मद काम बख्श जो आजम शाह के साथ की पीढ़ी थी औरंगजेब के बाद की, मोहम्मद काम बख्श के बाद शाहजहां द्वितीय ये पीढ़ी आई, और शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर शाह द्वितीय के बाद पीढ़ी आई बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था। ये तो मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी उनके नाम क्रम के अनुसार।